many people have asked me this question. I find it quite amusing because if I play a city girl in two films, then there won't be no similarity. But if I'm a rural person, then they'll be like, it's a similar part. Yeah. Which is. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा फिल्म की कास्टिंग किस बिना पे किया आपने? You know, on what ground you zeroed on the star cast of the film? I think I just wanted the best and the most amazing actors for this film क्योंकि roles ऐसे हैं जो बहुत complex हैं. So firstly individuals who could connect to that and who wanted to bring out and bear out that truth within themselves and obviously who were brilliant at the craft. So I don't think I have ever worked with such a competent cast in my life. तो एज अ डायरेक्टर आई कॉन्ट टेल यू वो जो हाई मिलता है टू वर्क विद अ कास्ट जो सब्जेक्ट को आपके साथ इतना आगे ले जाता है. सबसे पहले किसको आपने कास्ट किया? यू नो देयर आर थ्री ब्यूटीफुल वुमेन. या एंड लॉट्स ऑफ अदर ब्यूटीफुल वुमेन एंड मैन इन द फिल्म. सबसे पहले तनिष्ठा को कास्ट नहीं किया एक्चुअली. हमने बात ही यहाँ से शुरू की कि कुछ करते हैं साथ में, तो वहीं से कहानी निकली. यू नो तनिष्ठा शेयर सम एक्सपीरियंसेस विद मी. तो सबसे पहले तनिष्ठा जुड़ी इस प्रोजेक्ट से, फिर उसके एकदम बाद राधिका जुड़ी, उसके बाद मुकेश छाबड़ा के मॉन एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, और फिर हम एक्सप्लोर करने लगे बाकी कैरेक्टर्स के लिए. बिजली ने हमको सबसे, सुरवीन की जो कैरेक्टर है उसने हमको सबसे ज़्यादा तंग किया और सबसे ज़्यादा, और फिर एक ड्रामेटिक अपीयरेंस की सुरवीन ने. ओके राधिका, मैं माउंटेन मैन की बात करूँ या आपकी पिछली फिल्मों की बात करूँ, खास करके माउंटेन की, माजी माउंटेन मैन की बात करूँ, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का किरदार था. यू नो रूरल एरिया की एक फीमेल दिखाई गई थी. आप कितना, और इस फिल्म की बात करी जाए किस तरह से अलग होगी, हाउ यू रिलेट टू दिस कैरेक्टर यू नो ऑफ पार्च? यू नो मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. आई फाइंड इट क्वाइट अम्यूजिंग because if I play a city girl in two films, then there won't be no similarity. But if I'm a rural person, then they'll be like, it's a similar part. Yeah. Which is astonishing. But so it's nothing, there's nothing similar between the two parts, except for the fact that they're both women. And this part is very different. It's about a girl called Lajjo, who is uneducated, and at a very early age, she gets married. And she thinks the whole purpose of life is giving her husband a child. And she realizes she's infertile and makes her feel absolutely worthless. That was your question, right? How different is it? Different is it? I mean, it's different because just the story, it's different. And worthless. And it's her journey of self-discovery and road to freedom. And I don't think I've ever played a part of a woman who has this beautiful balance of absolutely, I mean, the way we were talking earlier, she thinks nothing of herself, and which is why she has nothing to lose, and that brings this magic in her and complete recklessness, and she's so pure and honest. Okay, so आपसे जानना चाहूँगा एक अलग तरह की कहानी कहने की कोशिश करी गई है, खास करके हिंदुस्तान के जो हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं या गाँव की बात करते हैं जहाँ महिलाओं का अभी आज भी शोषण होता है. आपको जब एक यू नो किरदार बताया गया, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वो एक ग्लैमरस अवतार है लेकिन गाँव के अंदाज में. गांव के अंदाज़ में तो नहीं, बट एक कॉन्टेक्स्ट है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये बात समझ में आएगी. सॉरी क्वेश्चन क्या था आपका? क्या सो मैंने मैंने तो एक्चुअली एक बहुत ही वी टेस्टेड फॉर दिस, आई ऑडिशन फॉर दिस इन अ कपल ऑफ डिफरेंट वेज. तो ये सिर्फ एक राउंड ऑफ टेस्ट नहीं था, लेकिन बिकॉज किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लेयर्ड है, और इस वजह से आई थिंक एंड इट वॉज एब्सोल्यूटली फेयर फॉर हर टू डू दिस काइंड ऑफ सीन एंड डू दैट काइंड ऑफ सीन. एंड देन आई ऑल्सो इन अ प्रॉब्ली अ थर्ड राउंड आई टेस्टेड फॉर डांसिंग, बिकॉज उसका भी एक लहजा है उस डांस का भी, बिकॉज नाटक कंपनी के डांसेज ये आइटम सॉन्ग से बहुत हटके होते हैं. इट्स वेरी वेरी सेक्शुअल एंड वेरी वेरी क्रास, मतलब बिल्कुल गाँव खेड़ा जैसे आपने करेक्ट कहा. तो आई थिंक किरदार को लेकर क्योंकि वो लेट था, तो टेस्टिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, क्योंकि मैंने कभी इतना रूरल किरदार प्ले नहीं किया है. तो जब लीना ने टेस्ट किया तो कुछ एक दिन लगाया लीना ने. यू टुक अ डे ना? नो यू डिडंट टेक अ डे. ओके, मुझ तक बात एक दिन बाद पहुंची थी, तो मेरा वो दिन बहुत ही एंग्जाइटी में निकला था. लेकिन आई थिंक व्हेन शी गिव मी दैट वन कॉल दैट शी मेड इन द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज योर माय बिजली, एंड आई वॉज एक्सटैटिक, बिकॉज मैं दिल से ये चाहती थी कि मैं ये किरदार किसी तरीके से कर पाऊँ. सो
Thank you, Lina. Really, it's a film that I'm really, really, really proud of. All of us are really, really proud of. Okay, Radhika, please ध्यान देना क्योंकि आप मुझे मालूम बीच में बोलोगे. Road movie की अगर मैं बात करूँ, वहाँ एक कहीं भी बन जाएगा किरदार की बातें आप नजर आए थे और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कितना relate करते हैं और कितनी similarities मानते हैं क्योंकि यकीनन ये फिल्म अलग तरह की domestic violence दिखाती है. You know, you have done road actually movie road movie जब मैंने की थी तभी मैं इस किरदार से मिली थी जो मैं प्ले करती हूँ इस फिल्म में, जिसकी कहानी मैं लीना को एक दिन कह रही थी और वहीं से ये पूरा फिल्म जैसे लीना ने कहा शुरू हुआ. तो उस हिसाब से रोड मूवी का पार्ट से कनेक्शन है, पर रोड मूवी और पार्ट बहुत अलग किस्म की पिक्चरें हैं. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म. आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर. एंड आई एम गोइंग टू एम्फसाइज व्हाट राधिका सेड अगेन, कि एवरी टाइम यू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ सेट इन द विलेजेस, पीपल थिंक दैट इफ़ यू सेट इन अ पर्टिकुलर रीजन अगेन और यू आर वेयरिंग द सेम कॉस्ट्यूम, मतलब इट्स अ सिमिलर कैरेक्टर. नो, इफ़ आई एम वेयरिंग जीन्स इन 5 फिल्म्स, नो वन आस्क्स मी यू नो व्हाई आर यू वेयरिंग जीन्स इन द लाइक यू नो ऑल योर फिल्म्स. But I don't know why this question is asked. The second question that's always asked is if you're playing a woman in a village, you're a simple girl, and if you're playing an urban woman, you're a glamorous person. I really want to understand what is the definition of glamour. Glamour ka definition kya hai? Aap mujhe bataiye. Hamare gaon kya glamorous nahi hai? Hamara nature glamorous nahi hai? 5-star hotel hi sirf glamour hai. आई मीन सो ये जो वेस्ट टॉक्सिफिकेशन है ना, ये थोड़ा उससे हमें निकलना चाहिए. अपनी भाषा, पोशाक, लाइक एवरी थिंग, म्यूजिक, हर चीज़ में वी आर वेस्ट, वी आर नॉट वेस्टर्नाइज्ड. वेस्टर्नाइजेशन एक अलग चीज़ होती है जहाँ आप थॉट में वेस्टर्नाइज्ड हो, फ्री हो जाओ, और उसी चीज़ की बात कर रहे हैं हम इस फिल्म में. दैट यू नो यू लिबरेट योर सेल्फ आउट ऑफ दोज यू नो जकड़ के जो हमें मतलब रखा है एज वुमेन, एज ह्यूमन बींग्स, एज पीपल, एज आर्टिस्ट. पर so it's completely different. Rani of Parched is a completely different character from what I did in road movie. Okay, Lina, आपसे जाना चाहूँगा फिल्म के टाइटल की मैं बात करूँगा. Parched internationally it is understood, you know. Those films already won 18 international awards. क्या आपको लगा कि हिंदुस्तान में कहीं फिल्म का नाम कुछ और रखना चाहिए था? Actually initially यही plan था, पर हमने पहले जो Parched रखा, Parched एक्चुअली मैंने अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में रखा बिकॉज इट वॉज स्पोक अबाउट द लैंड वेयर वी वर शूटिंग एंड स्पोक अबाउट द वुमेन. पर मेरे को हमेशा लगा मैं हिंदी टाइटल रखूँगी, पर जब तक यहाँ पे रिलीज़ का प्लान हुआ, Parched का जर्नी ऑलरेडी इतनी फेमिलियर हो चुकी थी लोगों के साथ एंड आई डेंट वॉन्ट टू चेंज दैट. तो शायद हम एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे. Parched का मतलब है प्यास, बहुत सारी तरीकों की प्यास, फॉर फ्रीडम, प्यास फॉर सेक्सुअलिटी, प्यास फॉर लव, टच. ओके राधिका, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज टू ब्रिंग अबाउट द बैलेंस, अगेन गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, ब्रिंग अबाउट द बैलेंस. दिस कैरेक्टर हैज अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रास्ट. शी हैज नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, but at the same time she is very open about what she feels and very magical and very full of life. So this is very different characteristics, but it exists in the same person at a given point, and I think that balance was the most difficult to bring about. And I think it's beautifully written, and with your help, Lina. नहीं, हमने साथ में लज्जो को जो डिस्कवर किया, उसका पास्ट और उसकी मेमोरीज, और तो हमने उसके लिए एक लॉजिक क्रिएट किया अपने लिए, उसकी एक पूरी ज़िंदगी बनाई. सो देन आई थिंक आफ्टर दैट राधिका जस्ट एफर्टलेसली टुक इट टू अनदर लेवल. ओके सुरभि, इसमें एक्टिंग करने का कितना मौका मिला? I hope take it up on the note. I hope you take it up on the note. क्योंकि अलग तरह का किरदार है. There's a I'm saying this. You know, explore करने का कितना मौका मिला? नहीं, मैंने acting, मैंने acting बिल्कुल नहीं करी है इस फिल्म में. Because I don't consider myself to be a method actor at all. इसलिए मेरे लिए कभी कभी मैंने क्या किरदार प्ले किया है उसको इन वर्ड्स एक्सप्रेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं बस आई एम बैंकिंग ऑन हाउ आई एम फीलिंग, बिकॉज दैट्स वेयर आई ब्रिंग आउट द बेस्ट. दैट्स वॉट आई नो ऑफ यू नो अबाउट माई सेल्फ.
सो इसके अलावा आई डोंट आई थिंक आप इस चीज का जवाब बेहतर देंगे कि मैंने मुझे कितना एक्टिंग का स्कोप था और मैंने कितना निभाया. और सैड बात है कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, पर नहीं, पर शायद नहीं, ऑन अ पॉजिटिव नोट आल्सो, नो नो, शी हैज द पोटेंशियल एज एन एक्टर, बट दे आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स. आई डिडंट थिंक इट नेगेटिवली एट ऑल. नो नो, बट आई एम आल्सो सेइंग इट पॉजिटिवली ओनली बिकॉज दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, दैट देयर नॉट इनफ रोल्स रिटन for women, especially in films, where you can ask them this question. So I'm also telling you positively that it's sad that aap aisa sawal kar rahe hain kyunki wo mahol hai yahan pe, and I really hope ki aur aise kirdaar likhe jaye especially females ke liye jo kuch juice ho usme, you know, they're not just a reflection of one need of a male character in the film. Okay, what all of you, what message do you want to give the audience why they come and be a part of Past Whenever It's Getting Released? Because they're going to enjoy it, they're going to see a reflection of themselves in the film, and it's a bittersweet, happy, sad film where it's a roller coaster ride. Aap hasoge aur fir aap roge aur kahin na kahin kuch na kuch rahega saath mein. मैं ये कहूँगी कि अल्फ्रेड हिचकॉक कहा करते थे आपको मैसेज लेना है तो पोस्ट ऑफिस जाइए. ये मैसेज देना हमारा काम नहीं है, कहानी कहना हमारा काम है. हम कहानी आज के तारीख में मैसेज लेना है तो आप SMS कीजिए. पर हम लोग मतलब वी आर टेलिंग स्टोरीज, हम अपने किरदारों के थ्रू वी आर टेलिंग डिफरेंट स्टोरीज. थ्रू दो स्टोरीज वी आर रिफ्लेक्टिंग सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. वी आर ब्रिंगिंग अबाउट सर्टन डिबेट्स, सर्टन डिस्कशंस जो कंटिन्यूसली आर्टिस्ट्स को करते रहना चाहिए. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ दोज डिस्कशंस. तो उसके बाद ऑडियंस को क्या मैसेज मिल रहा है वो उन पे निर्भर है. बट दिस इज़ नॉट अ फिल्म विच इज़ अंडरलाइनिंग और प्रीचिंग एनीथिंग. इट इज़ जस्ट टेलिंग स्टोरीज ऑफ वेरियस इंटरेस्टिंग वुमेन. और ये हर किसी की जो कहानी है बहुत यूनिक है. ये मतलब डोमेस्टिक वायलेंस है या एक विडो औरत है या एक नॉच गर्ल है, ये कैरेक्टर्स है, लेकिन उनकी कहानियाँ जो है जो आप जब फिल्में देखेंगे इट्स समथिंग दैट यू नेवर सीन बिफोर. आई थिंक तनिष्णा ने सब कुछ कह ही दिया है. शी सेड एवरीथिंग, शी इज गिवन अ होल ओवरव्यू ऑफ द होल द एंटायर फिल्म. लेकिन ये कहानी जो है ये आई थिंक एवरी मैन एंड वुमन शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म. दिस फिल्म इज नॉट अ फेमिनिस्ट फिल्म, सो टू से. You all said it? yeah, go watch it. It's a very entertaining film. You'll love it. 23rd of September, this Friday. Thank you so much. Thank you. Thank you.